नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत गोल चौराहे पर खड़े हैं, जो अति व्यस्ततम मार्ग है और यहां पर चारों ओर से आप देख सकते हैं गाड़ियों का आवागमन रहता है और बीच में यहाँ पर एक चौराहा बना हुआ है, गोल चौराहा गुमटी बनी हुई है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। इस वक्त सागवाड़ा शहर काफ़ी सुंदरता की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद ये इस तरह की सुंदरता नज़र आ रही है। लेकिन मेरे साथ निशांत डेंडोर जो मौजूद हैं, कोरोना काल में इसको हमने अपने हाथों से साफ किया था, है ना जी? कितना मुश्किल रहा था उस टाइम पे, थोड़ा बताएं। गर्मी का टाइम था सर, गर्मी का टाइम था, कोरोना काल था, बहुत ही शानदार वाला मौसम था उस वक्त और नगर में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और यहाँ पर इस चौराहे की भी कोई सुध लेने वाला नहीं था। और हमारी टीम ने, हम चार पांच जनों ने मिल करने यहाँ इस चौराहे की बहुत बारीकी से सफाई करी थी, जिसमें यहाँ पर जले हुआ भी बहुत सारे पार्ट थे यहाँ पर और मोमबत्तियाँ जलाई हुई थी यहाँ पर इन्होंने और बैनर पोस्टर भी लगाए हुए थे, जिसके सुध लेने के बाद में यहाँ पर पालिका द्वारा ये नोटिस भी चिपकाया गया है कि आप यहाँ पर बैनर पोस्टर वगैरह नहीं लगाएं। उसके बाद भी यहाँ पर कई संगठनों द्वारा और लोगों द्वारा यहाँ पर बैनर भी लगाए जाते हैं, पोस्टर भी लगाए जाते हैं, कुछ कुछ लिख भी देते हैं यहाँ पर। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये गमला जिसको भी बारिश का मौसम है, यहाँ पर पेड़ या पौधे कोई लगा सकते हैं अपन, जिसको यहाँ ये पुतला दहन का एक पात्र बना दिया है, जिसकी पोजीशन अपन देख सकते हैं कि बेचारे को किसी काला कर दिया है यहाँ पर और यहाँ असामाजिक तत्व द्वारा इसको तोड़ा भी गया है, नुकसान भी पहुँचाया गया है। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस सरकारी संपत्ति जिसमें आपका भी कोई ना कोई भागीदारी है, आप भी यहाँ पर किसी तरीके से भागीदार हैं, तो अपने आप का नुकसान क्यों कर रहे हो यहाँ पर? बिल्कुल आपका कहना वाजिब है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये गमला है और उधर भी एक गमला पड़ा हुआ है, गमला काफ़ी काला हो चुका है, कहीं ना कहीं इस गमले को यहाँ पर कोई पुतला दहन हुआ ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से ये गमला काला हो गया है। और इसके अलावा वहाँ पर ये थोड़ा सा नज़दीक ला कर दिखाएं, वो टूट भी गया है। तो इस तरह से जो कृत्य यहाँ पर होते हैं, ये हमारी धरोहर है और सागवाड़ा शहर को सुंदर बनाने में हम सब मिलकर प्रयास करते हैं, तब जाकर ये सुंदरता निखरती है। और यहाँ पर बाकायदा नगरपालिका द्वारा लिखा हुआ है कि कोई विज्ञापन या इस तरह से कोई पोस्टर नहीं चिपका है, ताकि ये साफ़ सुथरा नज़र आए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के कृत्य किए जाते हैं, जो हमारी तरफ से एक बार और निवेदन करते हैं कि इस तरह के कृत्य नहीं करें। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, समाज सेवी, क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो बोल दिया ये जो बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सहमत हूँ उनके। सहमत हैं तो जिस तरह से यहाँ पर ये कृत्य किया गया है, दोबारा इस तरह से कृत्य नहीं करें। और नगर पालिका सागवाड़ा से हमारा निवेदन रहेगा कि ये जो गमले हैं, अभी हाल फिलहाल बरसात का समय, आपने जो रेलिंग पे जिस तरह से पौधे लगाए हैं वैसे यहाँ पर भी लगा दें, ताकि आने जाने वाले लोग इसको देखकर ये जिस तरह से कृत्य किया है वैसे कृत्य नहीं करें, क्योंकि इसमें पौधा होगा तो इस तरह के कृत्य नहीं किए जाएंगे। साथ ही ये जो सुंदरता के लिए यहाँ पर जो लगाया गया है वो भी मेंटेन रहेगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ एक बार फिर से यही अपील रहेगी कि सागवाड़ा को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।